हरे कृष्ण लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन किस कारण से उनको यह प्रसिद्ध व गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ, इसके पीछे की कथा काफी रोचक है, जिसका प्रसंग आपको नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलेगा। कथा अनुसार यह उस समय की बात है जब गरुण जी का जन्म नहीं हुआ था। वीनता और कद्रु नाम की बहनें प्रजापति दक्ष की बेटियां थीं और महर्षि कश्यप से इन दोनों का विवाह हुआ था। संतान प्राप्ति की जब दोनों के मन में कामना आई, तब कद्रु ने महर्षि कश्यप से 1000 नागों को पुत्रों के रूप में पाने की कामना प्रकट की, जो सभी के सभी एक समान बलशाली हों। इसके विपरीत वीनता ने इतने सारे पुत्रों की कामना करने के स्थान पर सिर्फ 2 पुत्रों का वरदान मांगा, जो सभी गुणों से पूर्ण हो। कश्यप जी द्वारा दोनों की इच्छा को स्वीकार कर लिया गया और परिणाम यह हुआ कि एक समय बाद कद्रु ने 1000 अंडे और वीनता ने 2 अंडे दिए। 500 सालों तक अंडों की सेवा के बाद कद्रु को अपने पुत्र प्राप्त हुए। कद्रु को अपने पुत्रों के साथ प्रसन्न देख ईर्ष्यावश फिर उन्होंने अपने एक अंडे को जानबूझकर समय से पहले ही तोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उसमें से अरुण जी का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव के सारथी हैं। समय से पहले आने के कारण उनका शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ था। तब माता की उस मूर्खता और ईर्ष्या व्यवहार पर क्रोधित होकर अरुण जी ने उन्हें सौतन कद्रु की 500 वर्षों तक दासी बने रहने का श्राप दिया, जिस श्राप से उन्हें उनका दूसरा पुत्र ही मुक्त करवा सकता था। श्राप के पश्चात वीनता ने धैर्य बनाए रखा और समय आने पर फिर उनके दूसरे महातेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो गरुण कहलाए। सूर्यदेव के वरदान के फलस्वरूप उनके पंखों से सदा सामगान की ध्वनि होती रहती है। यहाँ तक तो हमने गरुण जी के जन्म की कहानी सुनी और आगे की कथा अनुसार एक समय ऐसा आया जब गरुण जी ने माता से उनके दासी बने रहने का कारण जानना चाहा। तब वीनता ने कद्रु के द्वारा किए गए एक छल की कहानी पुत्र गरुण को सुनाई, जो वास्तव में पुत्र अरुण के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही घटित हुई थी। उस घटना के अनुसार एक बार वीनता और कद्रु के बीच क्षीर सागर से निकले उच्च श्रवा नाम वाले घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर वाद विवाद हुआ था। वीनता ने घोड़े की पूंछ को सफेद रंग का बताया तो उस पर कद्रु ने छल किया और उसके आदेश पर उसके सभी पुत्र घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिसके कारण पूंछ काले रंग की दिखने लगी और दोनों के बीच लगी शर्त के अनुसार हारने वाले को जीतने वाले का दास बनकर रहना था। परंतु अब वीनता के कष्ट का अंत और गरुण जी के द्वारा उनको इस दासी भाव से मुक्त करवाने का समय आ गया था, तो उन्होंने कद्रु से जाकर समाधान पूछा। तब कद्रु ने उनकी माता को मुक्त करने हेतु अमृत पाने की इच्छा सामने रखी, जिसे पूरा करने के लिए गरुण जी ने स्वर्ग में जाकर देवताओं तक को पराजित कर दिया और उनसे अमृत छीन ले आए। हालांकि अपने हाथ में अमृत के होते हुए भी उन्होंने उसकी एक बूंद तक को नहीं पिया। गरुण जी के ऐसे शुद्ध मन को देखते हुए ही भगवान विष्णु उनसे बड़े प्रसन्न हुए और बिना अमृत पिए ही उन्हें अमर हो जाने का आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें अपना वाहन बनने का बड़ा दुर्लभ वरदान दिया। इतना ही नहीं, गरुण जी की सत्यता को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी ध्वजा पर भी स्थान दिया। इसके अलावा गरुण जी के सरल स्वभाव का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण तब भी देखने को मिला जब उन्हें अमृत छीन कर ले जाता देख क्रोधित इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया था। तब उनके वज्र का मान रखने हेतु गरुण जी ने अपना एक पंख मात्र गिरा दिया था। इस बात से प्रसन्न होकर साथ ही उनके द्वारा अमृत छीने जाने का असली कारण जानकर इंद्रदेव ने उनसे मित्रता कर ली थी और उन्हें सर्पों का भक्षण करने में समर्थ होने का वरदान दिया था। इस प्रकार सर्पों को अमृत का वो पात्र प्रदान करके गरुण जी ने न सिर्फ अपनी माता को दासी भाव से मुक्त करवाया था, बल्कि इस एकमात्र घटना के फलस्वरूप वह भगवान विष्णु के वाहन बने, उनकी ध्वजा पर स्थान पाया, भगवान से अजर अमर होने के साथ ही सर्पों का भक्षण कर पाने का सामर्थ्य भी पाया। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।